it in the crossfire. Let's call it in the crossfire. मैं तो मांग दूंगी ये वाला चाहिए, लेकिन बच्चे की भी ये देखिए ये वाला नहीं यार, लेकिन लेकिन तो अभी आगे जाके मिलते हैं शॉप पे जाके। पर्पल दुपट्टा अच्छा खूबसूरत है। देख रहे हैं क्या करें, वहाँ पे कुछ कपड़े हैं, लॉन्ग देखते हैं। इधर मेरी दादी ने कपड़ा लिया परचेज कर, ये मेरी दादी ना फोटो खींच ले रही है क्योंकि मेरी दादी को बहुत पसंद आता है ये पेपर भी बहुत अच्छा है। तो और भी यहाँ पे वैराइटीज़ हैं कपड़ों की, अगर आप लोगों को प्लेन शलवार कमीज चाहिए इसके लिए तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं। दोबारा मैं आपको नाम बताऊँगी जब मैं शॉप से मिल जाऊँगी। और बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पे जितनी भी कटियाँ रखी हैं वो 2800 की है। एक सूट है जो आए अभी बाहर, मैं आपको शॉप का नाम बताऊंगी।
मुझे दिखा दो दादी ने कौन पसंद कर लिया बहुत लोग हमें देख रहे कोई नहीं वीडियो तो बना तो ये रहा इसका पजामा आ मेरा हाथ शर्म भी आ रही है इस पे बटन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से गाइस अल्लाह के करम से हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने अपने कज़न्स अपने फोटो के लिए दी मैं क्या क्या लिया। वैसे मैं आपको पहली बात बता दूं मेरी और मेरी छोटी कज़न की जोड़ी बनती है, मेरी छोटी बहन और बड़ी कज़न की बनती है। हम लोगों ने उनके लिए भी ईदी लिया, मैंने अपनी छोटी कज़न के लिए और मेरी छोटी बहन ने अपनी बड़ी मतलब उसकी कज़न बड़ी कज़न के लिए लिए। तो मैंने अपनी पप्पा हम लोगों ने मेरी दादी ने लिए मेरी पप्पा के लिए एक्चुअली ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बाय किया आज ये। तो गाइस मैंने पहले इधर ना सब कुछ सेट कर लिया ताकि फिर बाद में ना सेट ना करना पड़ जाए, एक एक करके मैं आप लोग को आराम से दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर ली है अपने लिए बास्केट, मतलब मेरी ईमान को देने के लिए चीज़ें ज़्यादा है ना, तो मैंने सिंपल सी ली है। अभी यहाँ पर मेरी दादी ना ये अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्हें बोला कि हम लोग इधर एक काम करेंगे, इधर गोल्डन लेस लगा लेंगे। ओके इसके एजेस पे हम लोग इधर हम लोग लगा लेंगे लेसे एंड फिर देन इधर हम लोग नेट वैसे ही लगेगी एंड इधर भी लेस लगेगी एंड अंदर मैं ना मतलब गुलाब डालूँगी, यहाँ पर मैं सारा गुलाब डालूंगी। ओके देन गजरे वजरे अभी तो पूरी चीज़ें नहीं हुई हैं तो मतलब कल लूँगी एंड देन रखूँगी। तो ये रही मेरी बास्केट एंड गाइस ये रही मेरी छोटी बहन की बास्केट जो उसने मेरी कज़न के लिए परचेज की है, बहुत प्यारी है क्यूट सी है, मेरी भी अभी इसी तरह बनेगी। नीचे से भी आपको दिखा दूँ तो ये रही गाइस आपको कैमरा मैन भी दिख रही होगी मेरी, तो वो रही बैठी हुई है। तो एंड ये इस तरह का मैं बोल रही थी मेरी दादी इधर लेस लगाएंगी एंड फिर इधर लाइट आ जाएगी एंड इधर लगेगा। मेरी बहन की बास्केट ओके देन मैंने अपने कज़न के लिए ये ब्यूटीफुल सी एक मेहंदी ली है क्योंकि मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी है मुझे। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं क्योंकि ये बॉक्स में थी तो मुझे बहुत प्यारी लगी। ये रही है मेहंदी की, बहुत प्यारी सी है एंड इसकी अनबॉक्सिंग मुझे बहुत क्यूट लगी थी इसीलिए मैं इसकी वजह ही ये थी कि मैंने इसको परचेज किया। ओके तो अब इसको बंद करते हैं, अब मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ इसको सेट करते हैं। तो ये रही मेरी कज़न की बैंगल्स ओपन करते हैं। तो ये रही ओपन करते हैं, देख सकते हैं बहुत क्यूट सी है एंड प्रीटी प्रीटी लग रही है एंड ये सेट है इसका। तो सेट बना के हम दिखाते हैं, ये हम लोगों ने इसकी अलग से ली है, ये अच्छी लग रही थी ना, मल्टी कलर्स की हैं तो मतलब हर कपड़ों के साथ चल जाएगी। तो ये इधर है, इसको इसको हम इधर लगाएंगे एक कड़े को एंड दूसरे कड़े को इधर, ये पूरा सेट बन जाएगा। रुकिए सही से नहीं दिख रहा होगा ना, मेरी उंगली आ रही होगी अब तो पूरा प्रॉपर। इस तरह का ये सेट है पूरा।
तो इसको रखते हैं। ओके देन मैंने अपनी कज़न के लिए देन ये मैंने अपनी कज़न के लिए परचेस किया है, बहुत क्यूट सी है। इधर ये वाली हैं, ये तीन कलर्स की हैं, मतलब क्रिसमस की उसकी कलर्स के हैं ना, ब्लैक रेड एंड वाइट। ओके ये कुछ डायमंड टाइप की है, यहाँ से कुछ डायमंड टाइप की हैं एंड ये फिर बीट्स वाली हैं एंड ये बीट्स वाली। गाइस देखिए मैंने पहले ही बोला था आप लोग को कि जो है मेरी और मेरी छोटी कज़न की बनती है, तो ये मैंने अपनी छोटी कज़न के लिए परचेज की है एंड मैंने अपनी छोटी कज़न के लिए ये मेहंदी परचेज की है। ये बैंगल्स कड़े मैंने पूरा सेट हो गया ना बैंगल्स का, सही से रखते हैं ओके फिर बाद में सारे। तो ये है एंड और भी चीज़ें हैं अभी आपको आगे दिखाते हैं। ओके तो ये है मेरी छोटी बहन ने मतलब उसकी बड़ी वाली कज़न, मेरी बड़ी वाली कज़न के लिए परचेज किया है, बड़ी वाली कज़न के लिए परचेज किया क्योंकि उसकी बनती है ना ज़्यादा। तो ये बहुत क्यूट सी है, ये इधर जो है वो हार्ट वाली हैं, इधर रिंग वाली हैं, इधर डायमंड शेप की हैं, इधर वो दूसरी हैं रिंग वाली टाइप है एंड बीच में डायमंड है एंड इधर बीच वाली है। ये रखते हैं देन यहाँ पे आती हैं माथा गिनने टीका जो भी बोलते हैं इसे, ये इधर लगाएंगे। तो ये मेरी जो है ना, ये मेरी और मेरी कज़न के मतलब मेरी ये ना, तो ये है ये दोनों की सेम है क्योंकि मेरी दादी ने ना एक्चुअल में मेरे और मेरी कज़न के मतलब जो बड़ी वाली कज़न है उसके एक जैसे कपड़े बनाए थे, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो उससे मैचिंग की है ये, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ली है। इसको रखते हैं देन इधर आते हैं मेरी मतलब छोटी बहन और छोटी कज़न के, उस पर उन लोग के कपड़े मैचिंग है ना, तो मतलब हमारी उसी कपड़े की फ्रॉक है, बहुत अच्छी हैं वो हैं, मैक्सी टाइप है, छोटी कज़न की शलवार कमीज है उस कपड़े की। तो ये आप देख सकते हैं ये छोटी बहन और छोटी कज़न के, ये दिखने में सेम है लेकिन दिखने में बस सेम है लेकिन उसका डिज़ाइन अलग है, इसका फ्लावर बना हुआ है एंड ये जो दूसरी वाली है ना ये इस पर फ्लावर अंदर ना बीट्स लगे हुए हैं। तो ये है पत्ता। तो गाइस इन्हें देख के तो आपको कुछ समझ आ ही गया होगा कि ये बहुत मशहूर है बैंगल्स, आ ही गया होगा ना समझ, बैंगल्स बहुत मशहूर हुई हैं। तो ये जो है ये मतलब ये कड़ा इसकी तरह है मेरी कज़न का ये, एंड ये इसी तरह का सेट बन रहा था उधर मेरे को ऊपर करें। ओके तो ये मेरी है एंड ये मेरी एक सेकेंड, क्या ये क्या गाइस कहाँ गया गाइस, एक बीट निकला हुआ था। ओके चलो ये मेरी कज़न की है एंड ये है मेरी, ये बैंगल्स हैं। अब हम आते हैं मेरी दादी ने जो मेरी फूफो के लिए ड्रेस को, तो ये है मेरी फूफो की ड्रेस जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, अलकरम स्टूडियो की है, ये भी बता देते हैं आपको। गाइस जो शॉपर थे ना बैंगल्स के मेरी कज़न के, वो उसको यहाँ पे रखते थे मार्केट में, तो ये रखिए कपड़े मेरी फूफो के, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरी दादी के हैं, ये भी अलकरम स्टूडियो के हैं, तो फिर पहले पीछे करते हैं ये दिखाते हैं। ये है जी उनकी, ये वही शॉप है जिसका मैंने आप लोग को बताया था, वही शॉप है जिसका मैंने आप लोग को बताया था, आपको उसकी वो भी दी थी मैंने कि आप इस अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आप आ सकते हैं शॉप पे, ये आपको दिखा देती हूँ उसी तरीके से। रुकिए एक सेकेंड बिना मैं इधर खड़ी होती हूँ आप बताइए। ये रहा जी आइए वर्क दिखाइए सबको। तो इधर आए गाइस आप देख सकते वर्क बहुत अच्छा हुआ होगा इसके ऊपर, एक तो अभी मेरी दादी को पसंद आया है रेडीमेड है ना। ये रहा अलकरम स्टूडियो का। ओके एंड ये रहे
बहुत ब्यूटीफुल सी है। ये कमीज़ है, इसको इधर रखते हैं। ये कमीज़ है। अब मैं आपको इसका ट्राउजर दिखाती हूँ। ये सारा कुछ जो नीचे पड़ा हुआ है, ओके, ये रहा इसका ट्राउजर। अभी मैं गिरती गाइस, ये रहा। नीचे से इस पे भी वर्क हुआ हुआ है, ये रहा वर्क हुआ हुआ है। ओके, तो इसको भी रखते हैं। देन मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। ओके, दुपट्टा तो पट्टा दिखाते हैं, ये रहा। ऐसे दिखा दूँगा आधा तो सब देखेंगे। ये रहा इसका चादर, जो भी आप बोले। अब आते हैं हम हमारी सक्की ऑब्वियसली सक्की होगी दादी के कपड़ों पर। ओके, तो यहाँ से मैं उठाती हूँ, इधर भी जाकर ओपन करती हूँ। तो अभी मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ, जिस तरह मैंने बाकी क्लोथ्स आपको ओपन करके दिखाए। ओके, ये जी इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है, ये जी इसका वर्क है। यहाँ पे पाइपिंग लेस इसको जो भी बोलते हैं वो है। एंड ये आप देख सकते हैं वर्क इसका, ये वाइट इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, बटर स्पार्कल्स, स्पार्कल्स बोलते हैं गाइस। मैंने पहली बार सुना है स्पार्कल्स। अच्छा, ये रहा इस पर भी अलकरम स्टूडियो का। ओके, ये रहा ट्राउजर, ये रहा ट्राउजर। दादी के हिसाब से ट्राउजर सही ही है इसकी। ये रहा, इसके नीचे कोई वर्क नहीं होगा, ये सिंपल है, बिल्कुल प्लेन नीचे से। ओके, इसलिए इसका भी है। ठीक है, तो देन आते हैं हम दुपट्टे पर, शॉल दुपट्टा जो भी आप तो ये है जी मेरी दादी के ईद के ड्रेस का दुपट्टा या शॉल, आप जो भी इसको बोलना चाहें वो है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये नीचे आइए, नीचे करिए कैमरा मैन, आप इधर आ जाओ। मैं कैमरा मैन, ओके, तो इधर मैं अपनी प्लेस पे वापस आ चुकी हूँ। तो ये है जी मेरी पापा के खुद से, जो कि एक और उनका ड्रेस है उनके साथ है। तो मैं दिखा दूँ, आगे आइए कैमरा मैन। ओ उल्टे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरी पापा का ये ससुर। देन यहाँ पे हमारे पास है कोल्हापुरी, कोल्हापुरी है, कोल्हापुरी है। ओके, ये है कोल्हापुरी, कोल्हापुरी है इस तरह की। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। तो ये थी जी गाइस हमारी कज़न्स की कुछ ईदी, एंड इसमें हमारी भी चीज़ें थी। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय।